देखेंगे बलदार पराठे बन रहे हैं। ये मैंने पूरा बल दे के इस तरह बना के रख दिया है। अब मैं इसको इस ये करूँगी पूरे पूरे, ये नज़र आ रहे हैं बल, ये जिस तरह ये नज़र आ रहे हैं इस तरह ये। अब इसको पहले बहुत बारीक करके अंदर लगाया घी, और उसके बाद क्या क्या ये ऑयल में नहीं अच्छे लगते, तो ये बना के और इसको बेलना है, तो ज़रा मोटा बेलना है क्योंकि टूटना है, क्योंकि इसमें लच्छे आएंगे वो किस तरह। ये मैं बना रही हूँ, जब ये बनेंगे ना तले जाएंगे तो फिर इसमें से लच्छे बन नज़र आएंगे आपको बनते हुए। बस इससे ज़्यादा नहीं करना इसको, और ना इसको ज़्यादा बढ़ाना, ये टूट जाएगा। ये इस तरीके बनाएंगे, फिर बना के दिखाते हैं आपको। लाए दामा रही, ये देखेंगी लच्छेदार पराठे तैयार हो चुके हैं, किस तरह इसके वो बन रहे हैं। ये देखें, देख रहे हैं किस तरह बन रहे हैं और किस तरह सॉफ्ट हैं ये पूरी पूरी। ये देखेंगे इसके लच्छे निकल रहे हैं, ये इस तरह, ये देखें ये सब चीज़ें ये हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बन गए। और ये आप जहाँ से भी तोड़ के देखना चाहेंगे देखें ये कितने कितने उसके हो जाएंगे। ये अब ये इसके साथ अंडा पराठा ये सब बनेगा, ये खाएंगे मज़ा आएगा बरसात में, बस यही चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत फुलफुल मज़ा। पराठा तैयार हो चुका है, लच्छेदार आपको दिखाई दिए, ये रखें कितने लच्छे बने हैं, ये और ये अंडा हो गया, ये चटनी है, अचार के साथ खाएं, जो भी खाएं मज़ा आ जाएगा, बारिश का मज़ा हर चीज़ में दुबा ला। ये है नाश्ता बारिश के तीसरे दिन का, मज़ा आ जाएगा भाई आलू पराठे से, मिर्चों की साथ दही मिर्ची है, चटनी भी है, आप भी बनाएं और खाएं। अब बारिश में हम आपको क्या बुलाएं। हमारी चाय आ गई है, नाश्ता मुकम्मल हो चुका है, अब हम चाय पीएंगे मज़े उड़ाएंगे। आपको पसंद आए नाश्ता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे और खूब अच्छे अच्छे नाश्ते कराए।